हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम पवन कुमार गुप्ता, टीम फिजिक्स, सीएलसी सीकर। तो मिड सेशन डीटीएस, मिड सेशन टेस्ट सीरीज के सेकंड पेपर में हम बात कर रहे हैं रोटेशन, कोलिजन और सेंटर ऑफ मास के सेक्शन की, प्लस सर्कुलर मोशन। तो यहाँ पर हम डिस्कशन की शुरुआत करते हैं पैराग्राफ वन। इसमें आपको बोला है कि एक बस मूव कर रही है कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन से, 3g/4 इसका एक्सेलरेशन है टुवर्ड्स राइट। इन द बस ए बॉल इज टाइड विद अ रोप ऑफ लेंथ एल एंड इज रोटेटेड इन वर्टिकल सर्कल एज शोन। बेसिकली वर्टिकल सर्कल का, सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें एक कंसेप्ट और जो एक्स्ट्रा गिवन है वो ये है कि यहाँ पे वर्टिकल सर्कल जो है वो एक जगह स्टेशनरी नहीं है, पूरा सिस्टम जो है वो मूव कर रहा है, एक बस के अंदर है ना। तो इसमें आपसे पूछा है कि थीटा की किस वैल्यू के लिए टेंशन रस्सी का मिनिमम होगा, और दूसरे पार्ट में आपसे पूछा है कि इसमें मिनिमम स्पीड क्या होगी। ठीक है, तो दोनों पार्ट को एक साथ सॉल्व करते हैं अपन। जैसे मान लो अपने पास एक सिंपल सिस्टम जो होता है उसमें अपन ने एक रस्सी बांध दी, तो रस्सी की लेंथ L, मास ऑब्जेक्ट का M, जब इसको आप सर्कुलर मोशन करवाते हो, ठीक है, तो उस केस में मिनिमम टेंशन, मैक्सिमम टेंशन यहां बॉटम पे होता है और ये होता है मिनिमम टेंशन, है ना। अब हमें यह करना है कि हमें इसी सिस्टम को दूसरे केस में ऑब्जर्व करना है। कौन सा केस? कि अब यहां पे आपके पास दो तरह, देखो यहां पे एक्सेलरेशन कौन सा था, जी। तो ऐसा बोल सकते हैं जी की डायरेक्शन में जो मिनिमम पॉइंट है उसी को बॉटम पॉइंट बोलते हैं अपन। बॉटम का मतलब क्या बोलते हैं कि जो जी की डायरेक्शन है उसके अलोंग जो सबसे आखिरी पॉइंट है उसको अपन बॉटम पॉइंट बोलते हैं। यहां जी के बजाय हम बात करेंगे ए इफेक्टिव की। एक तो है एक्सेलरेशन जी, एक है 3g/4। ये कौन सा एक्सेलरेशन लगेगा? गाड़ी का एक्सेलरेशन आगे है ना, तो गाड़ी की वजह से ऑब्जेक्ट पे दो फोर्स लगेंगे। देखो एक तो लगेगा mg, एक गाड़ी की वजह से लगेगा स्यूडो फोर्स। कौन सा? अपन गाड़ी के फ्रेम में ऑब्जर्व कर रहे हैं क्योंकि ये जो हिंज है वो तो गाड़ी के फ्रेम में है ना, हमेशा इस हिंज के अबाउट ऑब्जर्व करते हैं ना, ये जो जहां से कील्ट होगी ना उसके अबाउट ऑब्जर्व करते हैं। तो स्यूडो फोर्स जो है वो कितना आ जाएगा, m into a, मतलब कि 3mg/4। ओके आ गया। अब जैसे ही 3mg/4 आया, अपने पास इस केस में जो नेट इफेक्टिव फोर्स आएगा, देखो 3mg/4 और mg इसका इफेक्टिव अपन ऐसे देख लेते हैं हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे आएगा। तो ये आएगा अपने पास एफ नेट, ये एंगल अपन हॉरिजॉन्टल से देख लेते हैं, ये आएगा अपने पास g/, तो एफ नेट का जो एंगल है, एंगल निकालना चाह रहे हैं अपन, तो एंगल के लिए ये हो जाएगा टेन थीटा इज mg/3/4 mg, मतलब कि 4/3, मतलब थीटा कितना आ जाएगा 53। मतलब इस केस में जो जी इफेक्टिव वो 53 एंगल पे लगेगा हॉरिजॉन्टल से, है ना। तो जी इफेक्टिव इस तरफ लग रहा है, ठीक है। अब जी इफेक्टिव कितना लग रहा है वो और निकाल लेते हैं, g² + 3/4 g² इससे कितना आ जाएगा 16 और 9 25/16 g² मतलब कि जी इफेक्टिव आएगा 5/4 g। आ गया। अब अपन को यहां पे इन्होंने क्या क्या पूछा है, देखो कि टेंशन मिनिमम कहां पे होगा और दूसरा कि मिनिमम वेलोसिटी क्या होगी। अगर अपन इस सिस्टम के लिए बात करें तो टॉप पॉइंट पे मिनिमम टेंशन होता है और टॉप पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी भी होती है। यहां पे हमें टॉप पॉइंट पता करना है, तो टॉप पॉइंट हमेशा जी इफेक्टिव के अपोजिट वाला होता है ना, ऐसे सोचे। तो यहां जी इफेक्टिव इतने 53 डिग्री एंगल पे लग रहा है ना, तो इस जी इफेक्टिव के अपोजिट पॉइंट है उसको आप टॉप पॉइंट बोलेंगे नए सर्कुलर मोशन में। तो नए सर्कुलर मोशन के लिए जो टॉप पॉइंट बनेगा वो कौन सा बनेगा, देखो ये नए सर्कुलर मोशन का जो टॉप पॉइंट हो जाएगा वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये अपने पास जी इफेक्टिव की डायरेक्शन क्या है, इधर, तो जी इफेक्टिव इधर लग रहा है, कितना लग रहा है अपने पास जी इफेक्टिव नेट एक्सेलरेशन 5g/4 और ये एंगल कितना है 53। अब जी इफेक्टिव की डायरेक्शन ऐसे है ना, तो ये वाला पॉइंट तो क्या हो जाएगा बॉटम पॉइंट, और जो इसके अपोजिट पॉइंट आएगा ये क्या हो जाएगा टॉप पॉइंट,
तो टॉप पॉइंट का ये वाला एंगल थीटा भी कितना बनेगा, 53। और टॉप पॉइंट पे स्पीड क्या होती है, टॉप पॉइंट पे स्पीड होती है रूट ऑफ जी इफेक्टिव। अपन रूट जी एल लिखते हैं ना भाई, बॉटम पॉइंट की रूट 5 जीएल होती है और टॉप पॉइंट की रूट जीएल होती है, तो जी की जगह जी इफेक्टिव लिख दो, सिंपल सी बात। तो 5g/4l तो कितना हो जाएगा बेटा, रूट 5gl/2। तो अपने दोनों क्वेश्चंस के आंसर क्या क्या बनेंगे, ये सेकंड वाले का तो बन जाएगा थर्ड ऑप्शन और फर्स्ट वाले का बन जाएगा सेकंड ऑप्शन। 53 और फर्स्ट वाले का आंसर क्या आ जाएगा, 53। टॉप पॉइंट की लोकेशन पूछी है, थीटा एंगल है ना। और दूसरा जो अपना सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर क्या बन जाएगा, सी ऑप्शन। तो पहले का बी और दूसरे का ये सी ऑप्शन। ओके, सॉल्यूशन नोट कर लें एक बार बच्चों। इसके बाद आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है आपको एक सिस्टम दिया है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम का एक क्वेश्चन है कि एक रॉड को आपने स्प्रिंग से बांधा हुआ है, फिर आप एक स्प्रिंग को कट कर देते हो है ना, स्प्रिंग सेकंड को काट दिया अपन ने ना, तो स्प्रिंग सेकंड को काट दिया, तो आपको बताना है कि कट करने के जस्ट बाद इसका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, और एक और पार्ट में पूछा है कि पॉइंट ए का एक्सेलरेशन क्या होगा। चलो सॉल्व करते हैं। तो ये रॉड इस तरह से दी हुई है, स्प्रिंग अपन ने कनेक्ट कर दी है ना। अब स्प्रिंग कनेक्ट कर दी तो देखो इस केस में ये एंगल आपको 30-30 डिग्री मेंशन है ना, तो एंगल आपको गिवन है 30 डिग्री, तो इस केस में ये 30 डिग्री ये भी 30 डिग्री, तो जो स्प्रिंग फोर्स लगेगा वो स्प्रिंग फोर्स तो ऐसे लगेगा ना, उस स्प्रिंग फोर्स के दो कंपोनेंट कर दूं एफ वाई और एफ एक्स, इधर भी मैं कर देता हूं एफ एक्स और एफ वाई, एक कौन सा फोर्स लगेगा एम जी, ये तो बिफोर कट है ना, ये कंडीशन कौन सी, बिफोर कट। तो बिफोर कट दोनों एफ वाई मिलके किसको बैलेंस करेंगे, एम जी को। एफ वाई का मतलब क्या है, एफ साइन 30 इक्वल्स टू एम जी, तो स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी एम जी के इक्वल, मतलब हर स्प्रिंग का फोर्स है एम जी। इसका एफ एक्स कंपोनेंट कितना आ जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा अपने पास एफ कॉस 30, मतलब कि एम जी रूट 3/2। ये तो बिफोर कट, ओके ये बिफोर कट। अब जब आपने सेकेंड स्प्रिंग को कट कर दिया, स्प्रिंग कट करने का एक सिंपल सा कंसेप्ट क्या है कि आप जिस स्प्रिंग को काटते हो ना उसका फोर्स तो जीरो हो जाता है, और जो स्प्रिंग बची होती है उसका फोर्स एज इट इज लगाते रहो, तो ये फोर्स तो लगता रहेगा एफ वन तो लगता रहेगा ना, कट करने के जस्ट बाद भी एफ वन उतना ही रहेगा, वो तो चेंज होगा नहीं। अब यहां पे इसका कंपोनेंट कर देते हैं एफ एक्स एफ वाई, और ये इधर लग रहा है एम जी। अब इसमें कट करने के बाद, हमने जब इसको कट कर दिया इसके बाद अपन ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आफ्टर कट देखो एम जी का अबाउट देखे तो एम जी का अबाउट, अच्छा पहले तो पूरे सिस्टम में देख लो एक्स डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है एफ एक्स, तो एक्स डायरेक्शन में फोर्स है ए सी एम एफ एक्स है ना। पहले तो यहां पे एफ नेट भी तो जीरो नहीं होगा ना, तो अब यहां पे एफ नेट इक्वेशन बनाते हैं एफ नेट इक्वल्स टू एम इंटू ए, तो एफ एक्स की वजह से क्या मिलेगा, सेंटर ऑफ मास को एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन मिल जाएगा, कितना मिलेगा एफ एक्स कितना है रूट 3/2 एम जी एम ए सी एम एक्स, तो इससे मेरे पास सेंटर ऑफ मास का एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन आएगा रूट 3g/2, और ये फोर्स किस तरफ है माइनस आई के डायरेक्शन में ना, तो माइनस आई के पोर लिख देता हूं, ये तो एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन आ गया अपने पास सेंटर ऑफ मास का। ओके इसी को मैं वाई डायरेक्शन में भी यूज करता हूं, तो एफ एम जी माइनस एफ वाई इक्वल्स टू ए सी एम इंटू वाई, तो एम जी कितना है मेरे पास, एम जी तो एम जी है, एफ वाई कितना है एम जी एम जी, और एफ वाई कितना था अपने पास एफ वाई हो जाएगा एम जी बाई टू है ना, और एम ए सी एम वाई
तो ये हो जाएगा मेरे पास ए सी एम का वाई कंपोनेंट कितना आएगा, जी बाई टू। अभी जी बाई टू किस तरफ आएगा, देखो एम जी डोमिनेट कर रहा है ना, इसका मतलब ये जी बाई टू आएगा माइनस जे केप डायरेक्शन में। ये जी बाई टू किधर आएगा, माइनस जे केप डायरेक्शन में आ जाएगा, मतलब नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, अभी सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन होता है वो तो हर पॉइंट को मिलता है, ये तो अपन को पता है ना। अब रोटेशन भी देखेंगे इसमें, टॉर्क इक्वेशन बनाओ। टॉर्क इक्वेशन किसके अबाउट बना रहा हूं मैं, अबाउट सेंटर ऑफ मास। क्या हो जाएगा, आई इंटू एल्फा, आई भी सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क कौन देगा, एफ वाई। अब ये डिस्टेंस कितनी आएगी, ये आएगी एल बाई टू माइनस एल बाई थ्री, आई सी एम हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 12 अल्फा। तो एफ वाई कितना हो जाएगा, एम जी बाई टू 6 3 माइनस 2 एल अल्फा हो गया। अब जैसे यहां पे आया अपने पास तो 12 से 12 खत्म, तो अल्फा कितना हो जाएगा, जी पाई एल आ गया। अब ये अल्फा जो है वो किस सेंस में, देखो एफ वाई इसको ऐसे रोटेट करवाना चाहेगा ना, तो अल्फा जो है वो इस तरह से आएगा, इस तरह से आएगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट। अब इस अल्फा की वजह से पॉइंट ए को एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और मिलेगा, है ना। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए टेंजेंशियल, है ना, एक्सेलरेशन कौन सा वाला, टेंजेंशियल वाला ऑफ ए कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू आर ए। अल्फा कितना है, जी बाई एल, और इसकी डिस्टेंस कितनी है सेंटर ऑफ मास से, सेंटर ऑफ मास से ए की डिस्टेंस है एल बाई टू, है ना, ए ये इधर वाला पॉइंट है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, जी बाई टू, और ये आएगा जे केप। अब देखो जो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है वो तो ए पॉइंट को मिलेगा, अल्फा की वजह से एक टेंजेंशियल और मिलेगा, तो एक ये जी बाई टू जे केप, जी बाई टू जे केप ये तो कट जाएंगे, तो ए पॉइंट का नेट एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, ए बाई सी एम और ए टी बाई अल्फा। अल्फा की वजह से भी तो आएगा, सेंटर ऑफ मास की वजह से कितना आया, रूट थ्री जी बाई टू आई केप माइनस डायरेक्शन में, जी बाई टू जे केप माइनस में, और जी बाई टू जे केप प्लस में। तो सॉल्व करने पे कितना आएगा, रूट थ्री जी बाई टू माइनस आई केप। तो फाइनली ये इसका सॉल्यूशन हुआ। अब इसमें देखो आप पहले बिफोर कट सॉल्व करके आपको स्प्रिंग फोर्स निकालना है, स्प्रिंग फोर्स के दोनों कंपोनेंट निकालने, कट करने के बाद जिसको कट किया उसका फोर्स जीरो हो जाएगा, तो सेंटर ऑफ मास को जो स्प्रिंग के फोर्स और एम जी की वजह से नेट फोर्स बचेगा एक्स और वाई डायरेक्शन में, उसकी वजह से सेंटर ऑफ मास को दो एक्सेलरेशन मिल जाएंगे एक्स और वाई, प्लस टॉर्क की वजह से भी उसको एक अल्फा मिल रहा है, मतलब रॉड जो है ना वो पीछे भी शिफ्ट होगी और घूमेगी भी सही। ये समझ में आ रहा है ना आपको, रॉड जो है वो ये एक्स कंपोनेंट क्या कर रहा है, रॉड को पीछे भी धक्का देगा, और साथ में रॉड जैसे रॉड ऐसे है ना, तो ये रॉड ऐसे घूमेगी और पीछे भी जाएगी, तो पीछे जाके यूं जा रही है ऐसी, है ना। तो इस वजह से दो एक्सेलरेशन आ रहे हैं, अल्फा आ गया, फिर एटी अपन ने लिख दिया, और उसके बाद ही नेट एक्सेलरेशन और लिख दिया। इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को, है ना। तो अब इसके आंसर स्टिक कर लेते अपन। तो इन्होंने क्या क्या पूछा अपन से, कि एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, जी बाई एल अपना ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट एंगुलर एक्सेलरेशन का, और दूसरा पूछा है कि एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए कितना है, तो एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट हो जाएगा रूट थ्री बाई टू जी माइनस आई के। ओके, सेकेंड ऑप्शन। ओके, नोट करें बेटा इसको, स्क्रीनशॉट लें इसका एक। आते हैं हम अगले सेक्शन जिसमें अपन बात करेंगे इसकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। ठीक है, तो फोर क्वेश्चंस, फोर ऑप्शन है जिसमें एक से ज्यादा करेक्ट है, आपको टिक करने हैं। पहला आता है कि एक डिस्क जो है वो रोटेट कर रही है फ्रीली, वर्टिकल एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर रिंग हैविंग सेम मास एंड रेडियस एज डिस्क इज नाउ जेंटली प्लेस्ड ऑन डिस्क कोएक्सियली आफ्टर सम टाइम टू रोटेट विद कॉमन एंगुलर वेलोसिटी। बिल्कुल सही बात है, ये तो अपन को पता है कि एक डिस्क अगर आपके पास है, है ना, ये अपनी किसी एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रही है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आई ओमेगा। फिर इसके बाद आपने अगर इसमें कोई दूसरी रिंग प्लेस कर दी, है ना, तो दूसरी रिंग अगर इसके ऊपर रखोगे आपने, उसी रेडियस की एक और रिंग इसके ऊपर रख दी, है ना,
तो रिंग रखने के बाद अब क्या होगा, इसकी कोई वेलोसिटी ओमेगा डैश आएगी, पहले इसकी वेलोसिटी मान लो थी ओमेगा, है ना। तो इस पूरे प्रोसेस में एंगुलर मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा ना, तो आई डैश ओमेगा डैश, तो ओमेगा डैश कितना आ जाएगा, आई ओमेगा बाई आई डैश। आई कितना है, पहले केवल डिस्क थी हाफ एम आर स्क्वायर, अब डिस्क के साथ और कौन कौन रोटेट हो रहा है, एक रिंग रोटेट हो रही है, तो एम आर स्क्वायर सेम मास सेम रेडियस, तो ये हो जाएगा ओमेगा आर बाई थ्री, ओमेगा बाई थ्री, है ना। तो ओमेगा बाई थ्री इसकी एंगुलर स्पीड आ जाएगी। अब ऑप्शंस पढ़ते हैं एक बार। तो ये बोल रहे हैं कि रिंग हैविंग सेम मास एंड सेम रेडियस एज डिस्क इज नाउ जेंटली प्लेस्ड ऑन द डिस्क को एक्चुअली आफ्टर सम टाइम टू रोटेट्स विद कॉमन एंगुलर वेलोसिटी, वो कॉमन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बाई थ्री है। फिर ये बोल रहे हैं कि ऑप्शन चेक करने हैं अपन को, सम फ्रिक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द डिस्क एंड रिंग बिफोर अचीविंग कॉमन एंगुलर वेलोसिटी। बिल्कुल सही बात है। आप ये सोचो रिंग की एंगुलर वेलोसिटी बढ़ी तो उसको भी तो किसी न किसी फोर्स ने घुमाया होगा, फोर्स ने टॉर्क का काम किया होगा और वो टॉर्क उसको घुमा रहा होगा रिंग को, तो यहां कौन सा फोर्स आएगा। ऑब्वियसली बात है डिस्क के ऊपर जैसे ही रिंग को रखा, डिस्क तो घूम रही है ना, डिस्क कैसे घूम रही है, उसके ऊपर आपने एक रिंग रख दी तो रिंग रेस्ट पे थी इनिशियली, डिस्क घूम रही है, दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन है, रिलेटिव मोशन है तो काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, वो काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो इसको क्या करेगा, घुमाने का काम करेगा। तो सम फ्रिक्शन एग्जिस्ट बिटवीन डिस्क एंड रिंग बिफोर अचीविंग कॉमन एंगुलर वेलोसिटी, सही बात है। दूसरा है एंगुलर मोमेंटम डिस्क प्लस रिंग अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन कंजर्व, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो फ्रिक्शन लगेगा उसका टॉर्क रोटेशन एक्सिस के अबाउट जीरो आएगा, टॉर्क नेट टॉर्क जीरो, मतलब सॉरी हाँ नेट टॉर्क जीरो आने का मतलब क्या है कि फ्रिक्शन जो है नेट टॉर्क, मतलब सिस्टम के लिए बोल रहा हूं मैं, रिंग पे तो टॉर्क लगेगा, रिंग का टॉर्क रिंग को एक्सेलरेट करेगा, डिस्क पे अपोजिट टॉर्क लगेगा जो डिस्क को डी एक्सेलरेट करेगा, तो नेट टॉर्क जीरो आने की वजह से टोटल एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का कंजर्व रहेगा, ध्यान रखना सिस्टम का कंजर्व रहेगा। तो इस केस में सेकेंड ऑप्शन जो है टोटल एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, ये भी सही है, फर्स्ट भी सही है। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कितना है, 1/3 है, तो अपना ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 और 4 करेक्ट। ओके, तो ये अपना बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन हो गया, इसमें कोई कंफ्यूजन। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है, नोट कर ले। अगला क्वेश्चन आता है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको आपने इस तरह से रखा हुआ है, अब आपको बताना है कि ये ऑब्जेक्ट कब स्लाइड करेगा, कब टॉपल करेगा। चलो करते हैं इसको सॉल्व। इस तरह से हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, देखो ये थीटा की वजह से mg के दो कंपोनेंट आएंगे, mg साइन थीटा और mg कॉस थीटा। फिर इधर क्या आएगा, अपने पास एक नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, फ्रिक्शन आ जाएगा। अब अगर मान लो ऑब्जेक्ट अपनी जगह टिका हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि जो फ्रिक्शन है वो mg sin थीटा को एज ए फोर्स बैलेंस कर देगा, नॉर्मल mg cos थीटा को एज ए फोर्स बैलेंस कर देगा, बट टॉर्क भी तो बैलेंस होना चाहिए। अब देखो सेंटर ऑफ मास के बाद फ्रिक्शन का टॉर्क किधर आ रहा है, ये आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो फिर एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को बैलेंस करना है क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट को टॉपल नहीं करवाना है, मान लो ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है तो फिर नॉर्मल ही तो क्लॉकवाइज टॉर्क लाएगा, और कौन लाएगा। अच्छा mg तो हमेशा सेंटर पे लगता है, फ्रिक्शन हमेशा इस सरफेस पे लगेगा, तो फ्रिक्शन हमेशा टॉर्क देगा और mg कभी टॉर्क देगा नहीं, तो फिर फ्रिक्शन का टॉर्क बैलेंस करवाने की जिम्मेदारी केवल किस पे है, नॉर्मल पे, है ना। तो अब यहाँ पे नॉर्मल जो है वो अब सेंटर पे नहीं लगेगा, इसका मतलब अपन को ये पता लग गया, तो इस नॉर्मल को वापस यहाँ से हटा के अपन थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं इधर, तो ये नॉर्मल सेंटर से थोड़ा दूर लगेगा ताकि वो इस फ्रिक्शन के टॉर्क को बैलेंस कर सके नॉर्मल। अच्छा ये जो डिस्टेंस है फ्रिक्शन की सेंटर से, ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस है h by 2, ये डिस्टेंस मैक्सिमम कितनी हो सकती है, a। तो नॉर्मल जो है वो मैक्सिमम कितने टाइम तक बैलेंस कर देगा, देखो जैसे जैसे आप एंगल बढ़ाओगे ना mg sin थीटा बढ़ेगा, mg sin थीटा बढ़ेगा तो फ्रिक्शन भी बैलेंस करने के लिए बढ़ेगा, फ्रिक्शन बढ़ेगा तो उसका टॉर्क भी बढ़ेगा, तो नॉर्मल को और दूर शिफ्ट होना पड़ेगा। तो व्हेन बैलेंस्ड, जब ये बैलेंस्ड है तो इस केस में एफएस किसको बैलेंस करेगा, mg sin थीटा को, नॉर्मल किसको बैलेंस करेगा, mg cos थीटा को, और टॉर्क वाइज अगर अपन बात करें तो टॉर्क वाइज
टॉर्क ऑफ नॉर्मल किसको बैलेंस करेगा, टॉर्क ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। नॉर्मल का टॉर्क कितना आ जाएगा, एन इंटू ए, ये मैक्सिमम पॉसिबल टॉर्क लिख रहा हूं मैं कि जस्ट इसके बाद तो फिर नॉर्मल भी बचा नहीं पाएगा। तो नॉर्मल का मैक्सिमम टॉर्क कितना आ सकता है, ए बाई टू, ये ए बाई टू है ना। फिर टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ एस इंटू एच बाई टू। तो नॉर्मल ए एफ एस हो जाएगा एम जी साइन थीटा। तो नॉर्मल की वैल्यू भी डाल देते ना अपन इसमें, तो ये आ जाएगा एम जी साइन कॉस थीटा इंटू ए बाई टू एम जी कॉस थीटा एच बाई टू। तो ये कितना हो जाएगा इस केस में, ये क्या आएगा अपने पास, ये तो साइन थीटा है ना, तो इसका मतलब टेन थीटा इक्वल्स टू ए बाई एच। अगर आपने थीटा को और बढ़ा दिया, देखो अब उसके बाद क्या होगा, टेन थीटा इक्वल्स टू ए बाई एच आ रहा है। अब एक स्लाइडिंग की कंडीशन और देख लेते हैं, ऑब्जेक्ट, अच्छा ऑब्जेक्ट के टोपल होने की कंडीशन क्या है, टोपल होने की कंडीशन ये है कि नॉर्मल का टॉर्क जो है स्टैटिक फ्रिक्शन का टॉर्क ज्यादा होना चाहिए, विल टोपल इफ। तो ऑब्जेक्ट टोपल करेगा अगर फ्रिक्शन का टॉर्क ज्यादा हो जाए, मतलब कि टेन थीटा जो है वो ए बाई एस से ज्यादा हो जाए, तब तो वो टोपल कर जाएगा, ठीक है। और ऑब्जेक्ट विल स्लाइड इफ, स्लाइड करने के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन को ज्यादा होना पड़ेगा लिमिटिंग फ्रिक्शन से। स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब कि एम जी साइन थीटा ग्रेटर देन होना चाहिए म्यू एम जी कॉस थीटा से, मतलब कि टेन थीटा ग्रेटर देन होना चाहिए म्यू से, ठीक है। ये अपन ने कंडीशंस लिख ली, अब अपन देखते हैं क्वेश्चंस क्या कह रहा है। ऑब्जेक्ट में देखो, अब देखो सिंपल सी बात है, म्यू अगर बढ़ता है ना, अपन एक लॉजिकल देखते हैं, म्यू अगर बढ़ता है सरफेस में ज्यादा फ्रिक्शन है तो फिसलने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, लेकिन म्यू बढ़ने से अल्टीमेटली फ्रिक्शन का टॉर्क भी तो बढ़ रहा है, तो टोपल होने की टेंडेंसी भी बढ़ जाएगी, है ना। मतलब म्यू जो है अगर ज्यादा है तो ऑब्जेक्ट फिसलेगा तो नहीं, लेकिन टोपल होने के चांस बढ़ जाएंगे, है ना। तो अपने को अब यहां पे देखना है कि ऑब्जेक्ट कब टोपल होगा, तो टोपल होने की कंडीशन है कि म्यू जो है वो ए बाई एस से ज्यादा हो जाए, तब तो, क्योंकि टेन थीटा को रिप्लेस ही तो करना अपन को यहां पे। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट स्लाइड कब होगा, स्लाइड होने के लिए म्यू का इफेक्ट कम होना चाहिए, म्यू अगर कम होगा तो ऑब्जेक्ट में स्लाइड होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, तो इस वजह से ये पलटने से पहले फिसलने लग जाएगा अगर म्यू लेस देन ए बाई एच हो जाए, है ना। तो यहां ऑप्शन टिक करने में देखो टेन थीटा को रिप्लेस करना है म्यू से, उसके बाद आपको खाली ग्रेटर देन लेस देन देखना है, है ना। तो सिंपल सी बात है, म्यू का इफेक्ट बढ़ेगा तो ऑब्जेक्ट स्लाइड तो नहीं करेगा, है ना, और साथ में म्यू का इफेक्ट बढ़ने से टोपल जरूर हो जाएगा। तो जब म्यू ज्यादा होगा तो टोपल होने की टेंडेंसी आएगी, म्यू कम होगा तो ऑब्जेक्ट जो है वो स्लाइड होने की टेंडेंसी में आ जाएगा, ओके। यहां पे सिंपल सा इफेक्ट, ये इसका सॉल्यूशन नोट करें बेटा। बच्चों हम आते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरे क्वेश्चन में एक रिंग है जो एम मास की आर रेडियस की इस तरह से मूव कर रही है, ये प्योर रोल कर रही है, रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग, मतलब इसमें वी भी है और इसमें इसमें वी भी है और इसमें ओमेगा भी है, तो वी और ओमेगा दोनों है, ठीक है। फिर ये बोल रही है कि इस तरह से एक स्टेप पर आती है, स्टेप जो है वो आर बाई टू हाइट की, इस पर आने के बाद आपको बताना है कि रिंग की एंगुलर स्पीड क्या है, नॉर्मल रिएक्शन क्या है ना, वो सब आपको बताना है। चलो तो अपन इसमें सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये इस तरह से एक रिंग आपको गिवन है ना, इस रिंग में ये इस तरह से एक ऑब्जेक्ट है, ये सीढ़ी यहां पे है। अब इस सीढ़ी के लिए हाइट आपको दी गई है आर बाई टू। अब देखो इस पे कितने फोर्स लग रहे हैं, जैसे ये रिंग यहां पे आई इस पे एक तो लग रहा है mg, एक लग रहा है ग्राउंड का नॉर्मल, एक लग रहा है पहिए का रिएक्शन, ये सीढ़ी का रिएक्शन, एक इस पे लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो इस पे जब काइनेटिक फ्रिक्शन भी लग गया है ना, ये काइनेटिक फ्रिक्शन भी लगेगा इस पे, रिएक्शन फोर्स लगेगा r, एक mg लगेगा, एक आर को बजाय एन लिख देता हूं इसको मैं ना, तो यहां पे एक फोर्स लग जाएगा नॉर्मल रिएक्शन,
एक लग जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन, एक लग जाएगा mg और एक लग जाएगा ग्राउंड का नॉर्मल। ठीक है, अब ये फोर्स लगेंगे जैसे, ये तो हमेशा लगते रहेंगे टक्कर में आने के बाद, नॉर्मल और काइनेटिक फ्रिक्शन और लगेगा। काइनेटिक फ्रिक्शन क्यों लगेगा, देखो रिंग ऐसे रोल कर रही है ना, तो ये कॉन्टेक्ट पॉइंट यू स्लाइड करना चाह रहा है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन रोकेगा, पॉइंट ऐसे स्लाइड करना चाह रहा है, रिंग पे फोर्स ऐसे लग जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन का। तो इस तरह से अपने पास ये फोर्स आ रहे हैं, जैसे ये फोर्स आए अब देखो अपन को यहां पे ये देखना है कि इस कॉन्टेक्ट पॉइंट के अबाउट नेट फोर्स कितना है। तो कॉन्टेक्ट पॉइंट के अबाउट नेट फोर्स अगर अपन देखें, अबाउट कॉन्टेक्ट पॉइंट या जो ये कॉर्नर है, अबाउट कॉर्नर, कॉर्नर बोल देते हैं, अबाउट कॉर्नर, कॉर्नर के अबाउट अगर देखें तो इन दोनों फोर्स का टॉर्क तो जीरो आ रहा है, mg और ग्राउंड का नॉर्मल आपस में इक्वल है तो उनका टॉर्क भी जीरो आएगा, तो नेट टॉर्क जीरो है। वापस समझना क्यों जीरो है, क्योंकि नॉर्मल और काइनेटिक फ्रिक्शन तो उस कॉर्नर से ही निकल रहे हैं, और mg और ग्राउंड का नॉर्मल ये दोनों जो है वो आपस में इक्वल एंड अपोजिट है, तो इन दोनों के टॉर्क तो आएंगे mg और ग्राउंड के नॉर्मल के, लेकिन वो हाथ पांव के केस में जीरो हो जाएगा, आपस में एक दूसरे के टॉर्क को कैंसिल कर देंगे। नॉर्मल और काइनेटिक फ्रिक्शन दोनों उस पॉइंट से निकल रहे हैं, इसलिए उनके टॉर्क आएंगे ही नहीं, तो नेट टॉर्क जीरो। तो एल इनिशियल इक्वल्स टू एल फाइनल। अब एल इनिशियल किसके अबाउट कर रहा हूं मैं, कॉर्नर के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर रहा हूं। ठीक है, अब जब यहां पे रिंग मोशन कर रही है तो कॉर्नर इसमें कौन कौन सा है, वी भी है और ओमेगा भी है। ठीक है, मुझे कॉर्नर के अबाउट इसका टोटल एंगुलर मोमेंटम लेना है इनिशियल, इस पॉइंट के अबाउट। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जब आप एंगुलर मोमेंटम किसी पॉइंट के अबाउट लेते हो तो उसका एक फॉर्मूला होता है, एंगुलर मोमेंटम अबाउट एनी पॉइंट। ये अपन कैसे लिखते हैं, पहले तो अपन लिखते हैं एल ऑफ ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट है उसका एंगुलर मोमेंटम अबाउट सी एम, ऑब्जेक्ट के एंगुलर मोमेंटम खुद के सेंटर ऑफ मास के अबाउट। फिर आता है एल ऑफ सी एम अबाउट पॉइंट, फिर आप उस पॉइंट के अबाउट सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम लिख दो। तो पहले मुझे सेंटर ऑफ मास के अबाउट ऑब्जेक्ट का खुद का एंगुलर मोमेंटम लिखना है, ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ मास के अबाउट तो केवल रोटेट कर रहा है ना, तो इस केस में सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा हाफ, नहीं रिंग है ना, तो एम आर स्क्वायर इनटू ओमेगा। अभी रोटेशन कैसे, ऐसे है ना, तो इस एंगुलर मोमेंटम डायरेक्शन क्या आएगी, माइनस के प्लस। अब आता है एल ऑफ ऑब्जेक्ट अबाउट सेंटर ऑफ मास, ये तो लिख दिया। अब आएगा एल ऑफ सेंटर ऑफ मास अबाउट पॉइंट, पॉइंट कौन सा है, कॉर्नर। सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट के अबाउट, देखो पॉइंट के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम कैसे जा रहा है, यू, और आर परपेंडिकुलर कौन सा है, ये, तो आर परपेंडिकुलर तो है एल बाई टू और सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम है एम वी, तो एम वी और आर बाई टू। और ये भी आएगा माइनस के केप। बाद में जब ये रोटेट करना शुरू कर देगी इस कॉर्नर के अबाउट, तो कॉर्नर के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या जाएगा, एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर और ओमेगा डैश, और आएगा तो माइनस के केप ये भी है ना, क्योंकि रोटेशन तो ऐसे होगा ना इसका, ऐसे हो जाएगा रोटेशन बाद में, ये तो जस्ट बिफोर है, जस्ट आफ्टर, जस्ट आफ्टर कैसे रोटेट करेगी रिंग, ये रिंग जस्ट आफ्टर जो है ना इस पॉइंट के अबाउट ऐसे रोटेट करेगी। ठीक है, तो इस केस में ये जस्ट आफ्टर की कंडीशन, तो ये हो जाएगा अपने पास एम आर स्क्वायर, ओमेगा को लिख दिया वी बाई आर, फिर एम वी आर बाई टू, टू एम आर स्क्वायर ओमेगा डैश, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा एम वी आर, एम वी आर बाई टू, थ्री एम वी आर बाई टू और टू एम आर स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, थ्री बाई फोर वी बाई आर, ये आ जाएगी एंगुलर स्पीड। तो इस केस में जस्ट आफ्टर कॉन्टेक्ट,
जो रिंग की एंगुलर स्पीड आएगी वो आएगी 3v/4, है ना। तो आपको कॉर्नर के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना, पहले तो एंगुलर मोमेंटम में ये ध्यान रखना कंसेप्ट कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट का एंगुलर मोमेंटम किसी दूसरे पॉइंट के अबाउट निकालते हो तो उसका कंसेप्ट क्या होता है, पहले ऑब्जेक्ट का खुद के सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालो, फिर उस सेंटर ऑफ मास का उस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालो, दोनों को जोड़ो, ठीक है। ये कंसेप्ट सीखा अपन ने एक। तो अब अपन को बताना है कि नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा। तो देखो ये जो सेंटर ऑफ मास है ये उस कॉन्टेक्ट पॉइंट के अबाउट, केवल देखो रिंग ऐसे रोटेट कर रही है ना, तो सेंटर ऑफ मास जो है वो इस एंगुलर स्पीड ओमेगा डे से रोटेट कर रहा है, तो इसको रोटेट करवाने के लिए रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल फोर्स भी तो चाहिए। अब इसको रोटेट करवाने के लिए सेंट्रिपिटल फोर्स कहां से मिलेगा, देखो नॉर्मल जो है वो ऐसे लग रहा है, एम जी का इफेक्ट इधर ऐसे है, मैं इस एंगल को थीटा मानता हूं, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा एम जी कॉस थीटा और ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा, ठीक है। अब इसमें सेंट्रिपिटल फोर्स के लिए एफ सी इक्वेशन अगर मैं लिखता हूँ तो सेंट्रिपिटल फोर्स कौन देगा इसको, एम जी कॉस थीटा सेंटर की तरफ लग रहा है, नॉर्मल सेंटर, अच्छा सेंटर मतलब देखो ये सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ है ना, तो उसकी तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, एम जी कॉस थीटा, नॉर्मल दूर लग रहा है, तो एम जी कॉस थीटा माइनस एन बराबर एम ओमेगा स्क्वायर आर ओमेगा डैश, है ना, तो एम ओमेगा डैश स्क्वायर आर, तो एम जी कॉस थीटा कितना हो जाएगा अपने पास इस केस में, ये हो जाएगा एम जी कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी इस केस में, कॉस थीटा कैलकुलेट कर लेते हैं, ये अपने पास आर बाई टू है और ये डिस्टेंस है आर, तो कॉस थीटा देखते अपन, ये आर बाई टू ये आर, तो थीटा कॉस थीटा आ जाएगा इसमें आर बाई टू अपन आर, यानी कि वन बाई टू, तो कॉस थीटा वन बाई टू आ गया, माइनस एन एम ओमेगा स्क्वायर थ्री वी अपॉन फोर आर का स्क्वायर आर, तो ये हो जाएगा एम जी बाई टू माइनस एन बराबर थ्री एम वी स्क्वायर, थ्री नहीं नाइन एम वी स्क्वायर बाई सिक्सटीन आर, तो एन कितना हो जाएगा इस केस में, एन हो जाएगा एम जी बाई टू माइनस नाइन एम वी स्क्वायर बाई सिक्सटीन आर, ये इसमें नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू। तो देखते हैं अपन से क्या क्या पूछा गया है, अपन से पूछा गया है एक तो एंगुलर स्पीड, बिल्कुल 3v बाई आर आएगा, सही है, वो बोल रहे हैं इसमें नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा, एम जी बाई टू नाइन एम वी स्क्वायर बाई सिक्सटीन आर, सही है नॉर्मल रिएक्शन इतना आ जाएगा। फिर ये बोल रहे हैं कि जैसे जैसे नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू द स्टेप ऑन द व्हील इंक्रीज एज द व्हील एसेंट, देखो जैसे जैसे व्हील एसेंट करेगा है ना, तो इसमें सिंपल सी बात है, नॉर्मल रिएक्शन का अपन इफेक्ट देखते हैं यहाँ पे, जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट ऊपर चढ़ेगा, ऊपर चढ़ेगा तो जो थीटा की वैल्यू है ना वो कम होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि थीटा की वैल्यू क्या है भाई, कॉन्टेक्ट पॉइंट, बाद में जब ऑब्जेक्ट घूमेगा तो एम जी इस लाइन के लोग आना शुरू हो जाएगा, तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर चढ़ेगा, एज ऑब्जेक्ट एसेंट थीटा जो है वो घटेगा। अब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर चढ़ रहा है तो उससे थीटा घट रहा है, थीटा भी घटेगा और साथ में ओमेगा डैश भी घटेगा, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो ऊपर चढ़ रहा है उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, कॉन्टेक्ट पॉइंट के बाद प्योर रोटेशन हो रहा है ना, तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर बढ़ेगा उसके बाद थीटा घटेगा और ओमेगा डैश भी घटेगा, थीटा घटने से कॉस थीटा बढ़ रहा है, और इधर ये चीज, तो एन को अपन क्या लिख रहे हैं, एन को अपन लिख रहे हैं एन इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा माइनस एन ओमेगा डैश स्क्वायर आर। अब ये वाला फैक्टर तो आप इंक्रीज कर रहे हो, ये वाला फैक्टर आप डिक्रीज कर रहे हो, तो इसका मतलब ओवरऑल नॉर्मल तो बढ़ेगा, तो इस केस में नॉर्मल रिएक्शन जो है वो बढ़ेगा, जो सीडी ने लगाया वो, और फ्रिक्शन इस दौरान ही बोल रहा है कि एब्सेंट है, गलत है, फ्रिक्शन को होना पड़ेगा, फ्रिक्शन ही कॉन्टेक्ट पॉइंट, ये जो कॉर्नर है ना वहां पे स्लाइडिंग को रोकने की जिम्मेदारी फ्रिक्शन की ही है, ठीक है, तो फ्रिक्शन हमेशा रहेगा, और ये फ्रिक्शन जैसे ही कॉन्टेक्ट में आया था पॉइंट तब तो कौन सा था, काइनेटिक, लेकिन हाथ पांव क्या होगा, रिंग इसके ऊपर चढ़ना शुरू कर जाएगी ना, तो ये फ्रिक्शन हाथ पांव काइनेटिक से अगले इंस्टेंट पे स्टैटिक बन जाएगा,
भाई ऐसे मान लो काइनेटिक कुछ देर एक नेग्लिजिबल इंस्टेंट के लिए लगेगा, तो अपन बोल सकते हैं ओवरऑल ये स्टैटिक ही लगेगा इस दौरान। जैसे ये कॉन्टेक्ट में आई, कॉन्टेक्ट में आने से पहले तक स्लाइडिंग थी, हाथों स्लाइडिंग खत्म कर दी, तो हाथों स्लाइडिंग खत्म तो हुई ना, तो तब तक तो काइनेटिक एक इंस्टेंट के लिए लगेगा, हाथों अगले इंस्टेंट पे स्टैटिक फ्रिक्शन आ जाएगा फिर। ठीक है, तो इसका अपना फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों सही है इस केस में, कोई कंफ्यूजन यहां तक? तो अपना ये क्वेश्चन कंप्लीट होता रिंग वाला। अगला अपन बात करते हैं, तो एक बार इसका सॉल्यूशन नोट कर लो आप, है ना। फोर्थ, शेल एक्सप्लोड इन ए रीजन ऑफ नेग्लिजिबल ग्रेविटेशनल फील्ड गिविंग आउट एन फ्रेगमेंट्स ऑफ इक्वल मास इन। कोई एक शेल है उसमें ब्लास्ट होता है, इससे एन फ्रेगमेंट्स बनते हैं इक्वल मास के, सबका मास एम, ऐसे एन फ्रेगमेंट्स हैं, तो इसका मास कितना हो जाएगा एन एम। तो ये बोल रहे काइनेटिक एनर्जी स्मॉलर देन जस्ट बिफोर एक्सप्लोजन। काइनेटिक एनर्जी स्मॉलर नहीं होती, देखो जब ऑब्जेक्ट में एक्सप्लोजन हुआ तो उसकी इंटरनल काइनेटिक एनर्जी, इंटरनल एनर्जी जो है वो काइनेटिक में कन्वर्ट होती है, और भी जगह कन्वर्ट होती है काइनेटिक के अलावा, मान लो साउंड में आवाज, ब्लास्ट के दौरान साउंड आया, हीट आई, उन सब में कन्वर्ट होती है। पर काइनेटिक एनर्जी में भी कुछ पार्ट कन्वर्ट होता है ना, तो इंटरनल एनर्जी का कुछ पार्ट काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब ब्लास्ट के बाद काइनेटिक एनर्जी पहले से कम होगी नहीं, काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन, बिल्कुल सही बात है। मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन एन, नहीं, मोमेंटम इज इक्वल्स टू दैट बिफोर एक्सप्लोजन, ये बात सही है भाई, मोमेंटम तो सेम रहेगा, देखो मोमेंटम चेंज होता नहीं, और काइनेटिक एनर्जी जो कन्वर्ट होनी है वो तो कन्वर्ट होनी हो तो फिक्स है, मतलब वो एन पे डिपेंड नहीं करता है कितने टुकड़े हो रहे हैं, मोमेंटम और मोमेंटम ही डिपेंड नहीं करता, मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहेगा कुल मोमेंटम, तो मोमेंटम जो है वो कभी भी एन पे डिपेंड नहीं करता, मोमेंटम हमेशा इक्वल रहता है। तो अपना कौन सा ऑप्शन जाएगा, टू और फोर, ओके, मतलब बी और डी। तो ये अपना अगला क्वेश्चन आता है फिफ्थ, फिफ्थ में आपको बोला है कि एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है सिस्टम ऑफ पार्टिकल पे, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इतना है, तो क्या पॉसिबल है? देखो एक्सटर्नल फोर्स नॉन जीरो है, अगर एक्सटर्नल फोर्स नॉन जीरो है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट कभी भी उसका जो VCM है वो जीरो आ भी सकता है भाई, एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है, जीरो नहीं है, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी जीरो नहीं होगा, मतलब दो पॉसिबिलिटी मेरे पास है कि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, इतना तो कंफर्म है ना। ये जिस ऑप्शन में बोल रहे हैं सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो, वो तो पक्का गलत हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि जब नेट फोर्स ही जीरो नहीं है तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी जीरो नहीं होगा। अब बची बात VCM जीरो होगा या नॉन जीरो, वो डिपेंड करता है कंडीशन पे। हो सकता है आपने सिस्टम पे फोर्स ऐसे लगाया, जैसे मान लो कि एक ऑब्जेक्ट को जस्ट आपने चलाना शुरू किया, उस इंस्टेंट पे वो जब रुका हुआ है एक इंस्टेंट के लिए, तब तो VCM जीरो है, और जब वो चलने लग जाएगा तब VCM नॉन जीरो भी रहेगा। तो VCM जीरो है नॉन जीरो उस पर हम कमेंट नहीं कर सकते, हम केवल ये बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन पक्का नॉन जीरो होगा, है ना। तो मेरा कौन कौन से ऑप्शन सही हो जाएंगे यहां पे, टू और फोर। आते अपन अगले केस, एक यहां पे मशीन है जो कि एम्यूजमेंट पार्क में कंसिस्ट ऑफ ए केज ऑफ केज एट द एंड ऑफ वन आर्म हिंज एट ओ, द केज रिवॉल्व अराउंड अलोंग ए वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस आर अबाउट इट्स हिंज ओ एट कॉन्स्टेंट लीनियर स्पीड वी इक्वल टू रूट जी आर। देखो इसमें कॉन्स्टेंट लीनियर स्पीड है केज की, वी इक्वल टू रूट ऑफ जी आर, तो इसमें अगर वेलोसिटी ये है तो आपको फिर ये बताना है कि रीडिंग क्या होगी पर्सन के वेट की, है ना, पर्सन का वेट डब्ल्यू है। तो देखो यहां पर अपन समझते हैं, इस फ्रेम के अबाउट अगर मैं देखूं तो इस पे एक स्यूडो फोर्स लगेगा, है ना। अब स्यूडो फोर्स किधर लगेगा, अलग अलग पोजीशंस की अपन बात कर लेते हैं, है ना। तो अलग अलग पोजीशंस के केस में, जैसे मान लो यहां एक पर्सन है तो इस पे एम जी लग रहा है डाउनवर्ड, है ना, एक स्यूडो फोर्स लग रहा है एम वी स्क्वायर बाय आर, है ना। तो स्यूडो फोर्स की पहले वैल्यू निकाल लेते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाय आर, एम वी स्क्वायर यानी कि रूट जी आर अपॉन आर, तो स्यूडो फोर्स कितना है एम जी। अब स्यूडो फोर्स हर केस में ऐसे लगेगा, देखो जब ये पर्सन यहां होगा ना तो एम जी भी इधर और स्यूडो फोर्स भी इधर,
मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी इधर। जब ये पर्सन यहाँ होगा, पिंजरा यहाँ होगा, तो mg इधर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर। जब ये पिंजरा यहाँ होगा तो mg नीचे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नीचे। अब जो वेट की रीडिंग होती है ना, वो हमेशा नॉर्मल रिएक्शन बाय मशीन होता है। मशीन जितना नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी उतना वेट की रीडिंग होगी, है ना। तो वेट जो होता है वो क्या होता है, नॉर्मल बाय मशीन। अब मशीन जो नॉर्मल लगाएगी वो हमें लेना है वेट की रीडिंग में। तो देखो यहां पे ये जो पॉइंट है, कौन सा पॉइंट नाम दिया इसको, ए पॉइंट। ए पॉइंट पे तो स्यूडो फोर्स भी इधर है और एम जी भी इधर है और दोनों आपस में इक्वल है, तो कितना आएगा ए पॉइंट पे वेट की रीडिंग, 2W। तो और ई पॉइंट पे एम जी नीचे है और इधर एम जी स्यूडो फोर्स ऊपर है, तो यहां ई पॉइंट पे रीडिंग कितनी आएगी, 0। और यहां रीडिंग कितनी आएगी ए पॉइंट पे, 2W। तो ए पॉइंट पे 2W, ई पॉइंट पे 0। तो ए पॉइंट पे वेट जो है वो ई से 2W ज्यादा है, सही है। जी पॉइंट और सी पॉइंट पे वेट W होगा। जी पॉइंट पे W क्यों होगा, क्योंकि एम जी इधर लग रहा है, मशीन केवल एम जी को बैलेंस करेगी, ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है इसको फ्रिक्शन बैलेंस करेगा फिर, है ना, ऐसे सोचो। तो नॉर्मल केवल एम जी को बैलेंस कर रहा है, तो जी पॉइंट पे जो रीडिंग आएगी, नॉर्मल इक्वल्स टू एम जी इक्वल्स टू W, ठीक है। तो ये भी अपना सही हो गया। रेशियो ऑफ वेइंग मशीन वेइंग वेट रीडिंग एट ए एंड सी। सी पे भी सेम आंसर आएगा, जो आंसर यहाँ जी पे है वही आंसर सी पे है। अब ये बोल रहे हैं कि सी और ए पे वेट का रेशियो कितना आएगा, 2W/W यानी कि 2। तो फाइनली मेरा आंसर यहाँ पे फोर्थ भी सही हो जाएगा। फिर ये बोल रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन में कि हर पोजिशन पे इसके वेट की रीडिंग सेम आएगी, गलत। क्यों, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है, स्यूडो फोर्स काम कर रहा है, वो इस देखो ए पॉइंट पे ज्यादा वेट दे रहा है, ई पॉइंट पे 0 दे रहा है। जैसे पर्सन ए से ई जाएगा वेट कम होगा, जैसे पर्सन ई से वापस ए आएगा वेट वापस बढ़ेगा, तो रीडिंग सेम नहीं आएगी। तो अपना फर्स्ट ऑप्शन गलत, 2, 3, 4 सही हो जाएगा। ओके, कोई कंफ्यूजन इसमें? तो ये अपना सेक्शन जो एमसीक्यू वाले थे वो भी कंप्लीट होते हैं। अगले आते हैं अपन इसमें इंटीजर। अब इसमें शुरू के चार क्वेश्चन जो है ना वो नॉन, शुरू के चार क्वेश्चन न्यूमेरिकल वैल्यू है, जिसमें 0 से लेके 9 तक, मतलब 0 से 99 तक की कोई भी इंटीजर वैल्यू डालनी है। अगले चार क्वेश्चन नॉन नेगेटिव इंटीजर है, नॉन इंटीजर है, जिसकी रेंज जो है वो 0, 0 से, मतलब पॉइंट्स के पहले भी 2 वैल्यू, पॉइंट के बाद की भी 2 वैल्यू आपको लिखनी है, ठीक है। और यहाँ पहली बात जो अच्छी थी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, ठीक है। तो इस सेक्शन में थोड़ा सा आप इंस्ट्रक्शन पढ़ा करो, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी इसमें। अभी बोल रहे हैं एक ब्लॉक ऑफ मास एम इज केप्ट ऑन हॉरिजॉन्टल रूलर, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन दिस इज 0.5, रूलर इज फिक्स्ड एट वन एंड एंड ब्लॉक इज एट डिस्टेंस 1 मीटर। फिर उसके बाद ये बोल रहे हैं कि एंगुलर स्पीड कितनी होगी जिसपे ब्लॉक फिसलना शुरू कर दे, अल्फा 3 रेडियन पर सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है। तो अब इस केस में देखो, यहाँ पर इस तरह से अगर मान लो ऑब्जेक्ट, ये मैं टॉप व्यू बना रहा हूं, है ना, तो इस केस में देखो इसमें घूमने के लिए रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए एक तो, और एक इसको टेंजेंशियल फोर्स चाहिए ताकि स्पीड बढ़े, क्योंकि अल्फा है ना, अल्फा है तो 80 भी होगा, अल्फा है तो 80 होगा, 80 है तो उसको नेट फोर्स चाहिए। तो अब इस केस में नेट फोर्स जो है वो, नेट फोर्स तो फ्रिक्शन ही होगा ना हमेशा, और कौन होगा, अच्छा स्टैटिक फ्रिक्शन के अलावा कोई फोर्स हो नहीं सकता। एम जी इसमें किधर लग रहा है, एम जी इसमें, अब ये इन टू द प्लेन, तो मैं इस तरह से टॉप व्यू बना रहा हूं, तो एम जी माइनस के केप में आएगा और नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा, वो एम जी के इक्वल हो जाएगा, वो प्लस के केप में आ जाएगा। ये एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन, ऐसे समझ लो के माइनस और बाहर की तरफ प्लस के। तो इसमें अब आपको यहां पर अल्फा की वैल्यू दे दी, तो एफ नेट का स्क्वायर क्या आ जाएगा, टेंजेंशियल फोर्स का स्क्वायर और सेंट्रिपिटल फोर्स का स्क्वायर, ये हो जाएगा m into ओमेगा स्क्वायर आर,
और ये हो जाएगा म्यू इंटू एन। भाई नेट फोर्स जो है वो फ्रिक्शन ही है, लिमिटिंग फ्रिक्शन से जैसे पार निकलेगा, तो ये अपन उस टाइम की बात कर रहे हैं जब ये जस्ट फिसलना शुरू करेगा, तो ये नेट फोर्स जो है वो लिमिटिंग के बराबर हो जाएगा, है ना। किस टाइम पे? जब ये जस्ट फिसलना शुरू कर रहा है उस टाइम पे इसकी स्पीड मैंने ओमेगा मान ली, ठीक है। तो म्यू एम जी का स्क्वायर, एम स्क्वायर ए टी क्या होता है, अल्फा इंटू आर, एम ओमेगा स्क्वायर, आर का भी स्क्वायर करना, तो एम स्क्वायर ओमेगा फोर आर स्क्वायर। अब एम तो कट जाएगा, म्यू की वैल्यू है 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो ये हो जाएगा जी स्क्वायर बाय 4, एम स्क्वायर कट जाएगा। अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू 3, तो 3, आर की वैल्यू है 1, है ना। यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, जी बाय 2 का स्क्वायर 3 इंटू 1 ये आ जाएगा। ओमेगा किससे लिखोगे आप, 0 प्लस अल्फा टी की पावर 4, ठीक है, और ये आ जाएगा अपने पास आर की वैल्यू 1 का स्क्वायर। तो इससे अपने पास आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 बाई 2, 5 का स्क्वायर 25 बराबर 9 प्लस अल्फा टी का पावर 4, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 16, तो अल्फा टी कितना आ जाएगा, 16 की पावर 1/4, यानी कि 1/4 का पावर का था 2, तो टी कितना हो जाएगा 2/3। तो टी इक्वल्स टू 2/3, ये तो वो वैल्यू है टाइम की जब इसमें स्लाइडिंग होगी। फिर इन्होंने पूछा कि स्लाइडिंग के वक्त इसकी एंगुलर स्पीड क्या होगी, है ना। तो एंगुलर स्पीड पूछा है स्लाइडिंग के वक्त, तो ओमेगा कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू टी, अल्फा कितना हो जाएगा इस केस में। अच्छा, अपन को वैसे टाइम निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ओमेगा रखते तो भी आ जाता, कोई दिक्कत नहीं। अल्फा कितना, 3 रख दो, टाइम की वैल्यू 2/3 रख दो, तो कितना हो जाएगा 2, तो ओमेगा की वैल्यू 2, जिसको अपन रूट एन के टर्म्स में लिखे तो रूट 4 लिखेंगे ना। तो अब आपसे एन पूछा है, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी इस केस में, एन की वैल्यू हो जाएगी 4, है ना। तो एन इक्वल्स टू 0, 4, ये आपका आंसर आ जाएगा इसका। ओके बेटा, लिखें इसको, सॉल्यूशन नोट कर लें, स्क्रीनशॉट लें। अब आते हैं हम अगले सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि एक रिंग है, जो रॉड है जो रोटेट कर रही है इस तरह से, और रिंग इनिशियली दो रिंग इसके एकदम बीच में है। जब ये रोटेट करेगी तो सेंट्रिफ्यूगल फोर्स इनको धकेलेगा, सेंट्रिफ्यूगल फोर्स धकेलेगा तो वो इसको कितना स्पीड देगा रॉड के रिलेटिव, है ना। देखो, अब इसमें दो तरह की स्पीड होगी। जब ये रिंग है ना इससे बाहर निकलेगी ना, तो ये एक तो ऐसे बाहर फेंकेगी, है ना, सेंटर पे रिंग थी, इसको बाहर कौन फेंक रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, रॉड के रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बाहर फेंकने का काम कर रहा है। तो रिंग यहां से यहां तक आएगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको एक्सेलरेट करते करते भी तो एक स्पीड देगा इस डायरेक्शन में, प्लस ये रॉड घूम भी रही है तो इसको एक लीनियर स्पीड भी मिलेगी। तो जब ये रिंग बाहर निकलेगी, इसके पास दो तरह की स्पीड होगी, एक तो होगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, एक होगी टेंजेंशियल फोर्स की वजह से, है ना। तो यहां पे या टेंजेंशियल फोर्स मतलब टेंजेंशियल स्पीड जो होगी इसके पास। तो अब इसमें अपन देखते हैं, ये इसकी एक्सिस है, किसी डिस्टेंस पे मान लिया रिंग यहां पे एक्स डिस्टेंस पे, और ये थोड़ा सा डीएक्स और मूव करती है ना। इसकी इस डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड 0 और इधर स्पीड मान लेता हूं v1। तो इसको v1 स्पीड कैसे लिखोगे आप, देखो फोर्स जो है सेंट्रीफ्यूगल वो क्या लगेगा, m ओमेगा स्क्वायर x, ये क्या प्रोवाइड करेगा इसको, m इंटू a, है ना। ये a भी इसी डायरेक्शन के अलोंग ले रहा हूं मैं, तो m ओमेगा स्क्वायर x m v dv बाई डी एक्स, तो v डॉट dv ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर बाई 2, है ना। इंटीग्रेशन करने के बाद ही लिख रहा मैंने, चलो एक बार उस स्टेप बढ़ा देते हैं। अब इसके बाद आप यहां इसको सॉल्व करो तो एम सेम कटेगा, तो ओमेगा स्क्वायर एक्स वी डॉट डी वी, और इधर लिख दो डी एक्स,
फिर आप इधर इंटीग्रेशन करोगे जीरो से लेकर के आर तक, जीरो से वी वन तक, तो वी वन स्क्वायर बाई टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू, तो इससे v क्या आ जाएगा मेरे पास, ओमेगा इंटू आर। ये तो एक तो स्पीड आ जाएगी है ना, v1 स्पीड। दूसरा, जब ये रोटेशन हो रहा है इस रॉड में, तो रोटेशन की वजह से जब ये रिंग यहाँ आ जाएगी तो इसको एक टेंजेंशियल स्पीड भी तो मिलेगी है ना, इसको मैं रेडियल स्पीड बोलता है। एक तो रेडियल स्पीड है, तो रेडियल स्पीड कितनी मिलेगी इसको, रेडियल स्पीड मिलेगी इसको ओमेगा। एक टेंजेंशियल स्पीड मिलेगी, टेंजेंशियल स्पीड कैसे लिखते हैं अपन, ओमेगा इंटू आर, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो ये टेंजेंशियल स्पीड भी मिलेगी इसको ओमेगा इंटू आर इस तरह से। तो जब ये रिंग निकलेगी इसके पास दो तरह की स्पीड है, एक तो वी आर रेडियल स्पीड ओमेगा इंटू आर, और एक टेंजेंशियल स्पीड ओमेगा इंटू आर। तो इसकी नेट स्पीड किधर है, इधर आ जाएगी नेट स्पीड। तो नेट स्पीड कितनी आएगी, रूट टू ओमेगा आर। अब रूट टू ओमेगा आर से ये रिंग गिरेगी है ना। अब देखो यहाँ पे ये रिंग अगर इधर गिरेगी ना, देखो ये रॉड थी है ना, नेट स्पीड इधर है, तो ये रिंग ऐसे गिरेगी ना, ठीक है। अब ये रिंग ऐसे गिरे तो इसकी रेंज कितनी आएगी, वो रेंज निकाल लूँ मैं, तो वो रेंज आएगी अपने पास, रेंज आ जाएगा वी नेट इंटू टी, रूट टू ओमेगा आर रूट टू एच बाई जी। अब देखो आर की वैल्यू कितना है, लेंथ यहाँ 1 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, तो लेंथ 1 मीटर है, और इस केस में आपको क्या क्या दिया हुआ है, आर तो 1 मीटर दिया हुआ है, रूट टू ओमेगा कितना दिया इन्होंने, 3 दे दिया, आर की वैल्यू 1 दे दी, रूट टू एच दे दिया 5, जी 10, तो ये सॉल्व करने पे कितना आ रहा है, 3√2 आ रहा है, 3√2 की रेंज आएगी। अब देखो यहाँ पे ना थोड़ा सा इसको समझना सिस्टम को कि कैसे इसमें मूव कर रहा है ना। एक तो ये हाइट है ना, तो ये जो टोटल लेंथ है रॉड की ये कितनी है, ये है 2 मीटर। फिर एक इधर से 45 डिग्री एंगल पे जा रहा है ना, पे ये स्पीड 45 डिग्री भी थी ना, रेडियल स्पीड ऐसे टेंजेंशियल ऐसे, तो 45 पे जाके यूं गिरेगा, तो इसका मतलब ये इधर गया कितना गया, 3√2, तो इसका एक्स कंपोनेंट कितना आएगा, 3√2, और इधर वाई कंपोनेंट भी कितना आएगा, 3√2। फिर ये वाला पार्टिकल वो उधर गया ना, ये इधर आएगा, देखो इसकी रेडियल और टेंजेंशियल ऐसे आएगी, तो टेंजेंशियल इसकी रेडियल ऐसे, तो ये इधर जाके यूं गिरेगा, तो ये भी कितना दूर जाएगा, वही 3√2 जाएगा, तो 3√2 के फिर 2 कंपोनेंट करोगे, तो इस तरह से अपने पास जब दोनों पार्टिकल गिर रहे हैं तो ये दोनों पार्टिकल जहां गिरेंगे वो पॉइंट कैसा आ जाएगा, ऐसे, ये 2, ये 3√2 के 2 कंपोनेंट, 3 और 3, इधर भी 2 कंपोनेंट, 3 और 3, तो इसका मतलब इन दोनों पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन, ये पॉइंट यहां पहला और ये पॉइंट यहां दूसरा, ग्राउंड पे ये 2 पॉइंट है जहां दोनों पार्टिकल गिरेंगे। अब दोनों पार्टिकल जहां गिरेंगे उनका सेपरेशन कितना आ जाएगा, ये टोटल सेपरेशन कितना हो जाएगा, 3 3 6 2 8, और ये टोटल सेपरेशन कितना आ जाएगा, 3 और 3 6, तो टोटल सेपरेशन डी आएगा 8² + 6² यानी कि 10। तो इस केस में वो डिस्टेंस जहां दोनों ये गिरेंगे वो डिस्टेंस आएगी अपने पास 10। कोई कंफ्यूजन इसमें। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, एक बार इसका सॉल्यूशन नोट कर लें आप, है ना, थोड़ा सा 3D में देखो समझना, मैं आपको एक बार और थोड़ा सा विजुलाइज कराता हूं। ये रॉड में से मान लो ऑब्जेक्ट ऐसे गिरा, यू 45 पे गिरा, इधर नहीं जाएगा ये, ऐसे 45 पे जाएगा, तो ऐसे 45 जाके यू गिर जाएगा, ऐसे इधर वाला ऑब्जेक्ट ऐसे 45 जाके यू गिर जाएगा, तो एक ऑब्जेक्ट इतना 45 डिग्री गया, एक ऑब्जेक्ट इतना 45 डिग्री गया है ना। तो इस तरह से एक्स वाई प्लेन में अगर समझे ना, तो दोनों ऑब्जेक्ट यहां से तो जा रहे हैं, फिर ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, दोनों यहां जाके गिरेंगे, ये डिस्टेंस कितनी है 3√2, ये डिस्टेंस कितनी है 3√2, तो आपको इन दोनों पॉइंट्स के बीच का ये वाला सेपरेशन बताना है, मतलब ये एक्स डायरेक्शन में है और ये वाई डायरेक्शन में, आपको टोटल डायरेक्ट डिस्टेंस बतानी है, तो आपको ये डी डिस्टेंस बतानी है इनके बीच की, ठीक है। तो डी डिस्टेंस कैसे बताओगे, एक्स और वाई दोनों का स्क्वायर करके जोड़ना पड़ेगा, तो डी हो जाएगा, एक्स कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8, वाई कितना आ जाएगा 6, तो 8² और डी स्क्वायर इस तरह से 10 है ना, 6² ओके बेटा, अगले पे आते हैं अपन।
अगले पे ए बुलेट फायर्ड हॉरिजॉन्टली विद स्पीड फॉर 100 मीटर पर सेकंड स्ट्राइक ए वुडन ब्लॉक ऑफ मास 5 केजी व्हिच एट रेस्ट ऑन हॉरिजॉन्टल फ्लोर एज शोन इन फिगर इमर्ज विद ए स्पीड ऑफ 200 मीटर पर सेकंड एंड ब्लॉक स्लाइड डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर बिफोर कमिंग टू रेस्ट। कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो कितना है? तो देखो, सबसे पहले ब्लॉक से जो ये गोली टकरा के निकली वो कितनी स्पीड से निकली? 200 की स्पीड से निकली। तो ब्लॉक की स्पीड कितनी आई होगी? कुछ वी मान लेते हैं। तो ब्लॉक की स्पीड अगर वी आई है तो सबसे पहले तो पी इक्वेशन लगा दो, जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर। बुलेट का मास कितना है? बुलेट का मास है 20 ग्राम। तो 20/1000 इंटू 400, बाद में इसका मोमेंटम कितना आया? 200 स्पीड है, ब्लॉक का 5 इंटू वी, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास? 8 - 4 = 5V। तो V कितना आ जाएगा? 4/5। अब ये बोल रहे हैं कि 4/5 के बाद ये ब्लॉक जो है वो 20 सेंटीमीटर दूर जो है वो जाके रुकता है। तो यहां इसकी स्पीड थी 4/5, यहां इसकी स्पीड है 0। तो कितना हो जाएगा? V'² = V² + 2as, 0 4/5 का स्क्वायर 2। इसको रोकेगा कौन? काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वजह से रिटार्डेशन कितना आएगा? μmg/m, यानी कि μg। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 20/100, 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा? 16/25 = 2μ, जी की वैल्यू 10/5। ओके, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास? म्यू की वैल्यू ये 5 से कटेगा, 25 कटेगा 5 बार, तो 16/20 = 100, यानी कि 8/50। तो लैम्डा जो है वो कितना आ जाएगा? इसका मतलब लैम्डा आ जाएगा 8। तो लैम्डा की वैल्यू इस केस में आएगी 8। ओके, चलो अगले पे आते हैं। नोट करें इसको, सिंपल मोमेंटम कंजर्वेशन का क्वेश्चन विद सम फ्रिक्शन कंसेप्ट। ओके, अगला आता है कि आपको बोला हुआ है कि एक रॉड जो है वो इस तरह से वर्टिकल वॉल के सहारे रखी गई है और काइनेटिक दोनों जगह का फ्रिक्शन म्यू है। तो म्यू की वैल्यू कितनी हो ताकि नहीं फिसले? रोटेशनल इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट है। तो देखो, mg इधर लग रहा होगा, ग्राउंड का नॉर्मल और दीवार का नॉर्मल, दीवार का फ्रिक्शन और ग्राउंड का फ्रिक्शन। तो अब इस केस में सबसे पहले तो F नेट जीरो करेंगे, तो इससे मेरे पास क्या जाएगा? ग्राउंड का फ्रिक्शन किसको बैलेंस करेगा? दीवार के नॉर्मल को। फिर वॉल का फ्रिक्शन ग्राउंड का नॉर्मल मिला के किसको बैलेंस करेंगे? mg को। ये तो फोर्स का इक्विलिब्रियम आ गया। रोटेशनल इक्विलिब्रियम मतलब नेट टॉर्क भी तो जीरो करना है, किसी के भी अबाउट कर सकते हो। तो मैं किसके अबाउट करता हूँ यहाँ पे? मैं यहाँ पे टॉर्क चाहूँ तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट जीरो कर सकता हूँ, मैं इसमें टॉर्क चाहूँ तो इस बॉटम पॉइंट का अबाउट कर सकता हूँ या दीवार वाले पॉइंट का अबाउट कर सकता हूँ। लेट अबाउट ए, ए मैं इस पॉइंट को बोल देता हूँ, ठीक है। तो ए के अबाउट टॉर्क जीरो करेंगे तो टॉर्क आएगा mgl/2cos θ, इसको थीटा मान लेते हैं एंगल को, ठीक है। तो mgl/2cos θ, देन उसके बाद अपने पास आएगा, है ना। अब ये टॉर्क तो क्लॉकवाइज है, वॉल और वॉल का नॉर्मल और वॉल के फ्रिक्शन का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज आएगा। तो वॉल का टॉर्क कितना आ जाएगा? l cos θ फ्रिक्शन का, और नॉर्मल का आ जाएगा l sin θ। तो mg अपनी जगह l/2, तो l/2 cos थीटा, cos थीटा कितना जाएगा? 3/5 भाई, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। वॉल का फ्रिक्शन क्या जाएगा? म्यू इंटू, ये बोल रहे हैं म्यू की मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू का मतलब क्या है? फिर फ्रिक्शन को लिमिटिंग वाला कर दो फिर। तो फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? म्यू इंटू एन वॉल,
और ये वाला भी कितना हो जाएगा, म्यू इंटू एन ग्राउंड, तो म्यू इंटू एन वॉल एल कॉस थीटा हो जाएगा 3/5 प्लस एन वॉल। अब एन वॉल किसके बराबर है, फ्रिक्शन ऑफ ग्राउंड के बराबर है, ठीक है, और ये हो जाएगा एल साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी इस केस में, साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 4/5। तो देखो एल बाय फाइव तो सब में से कट जाएगा, है ना। अब देखो वॉल का नॉर्मल जो है उसको अपन क्या लिख सकते हैं, ग्राउंड का फ्रिक्शन, इसको नॉर्मल ऑफ वॉल ही रहने दो अभी भी। अब देखो नॉर्मल ऑफ वॉल को अपन लिखेंगे ग्राउंड का फ्रिक्शन, और ग्राउंड का फ्रिक्शन जो है वो यहां पे इधर आ जाएगा, तो अपने पास यहां पे अननोन चल रहे हैं, एल बाई फाइव तो कटेगा तो ये आ जाएगा 3/2 mg, है ना, ये आ जाएगा 3 μ नॉर्मल ऑफ वॉल 4 नॉर्मल ऑफ वॉल, ये आ गया। अब नॉर्मल ऑफ वॉल अपने पास आ गया, तो नॉर्मल ऑफ वॉल को अपन अब कैसे रिप्लेस करें यहां पे, है ना। तो नॉर्मल ऑफ वॉल यानी कि इसको अपन रिप्लेस कर सकते हैं ग्राउंड के नॉर्मल से, तो नॉर्मल ऑफ वॉल को मैं लिख सकता हूं फ्रिक्शन ऑफ ग्राउंड यानी कि म्यू एन जी, तो ये इसकी वैल्यू क्या है, म्यू एन जी के इक्वल है ना, तो इसको मैं लिखूंगा 3 μ μ n g 4 μ n g इज 3/2 mg। अब यहां से ग्राउंड के नॉर्मल की वैल्यू देखो मैं क्या निकाल सकता हूं, ग्राउंड का नॉर्मल है ना, वॉल का जो फ्रिक्शन है वो है म्यू इंटू एन वॉल, प्लस ग्राउंड का नॉर्मल एम जी। तो म्यू एन वॉल कितना हो जाएगा, म्यू स्क्वायर एन जी इक्वल्स टू एम जी। अब यहां से ग्राउंड के नॉर्मल की वैल्यू आप यहां डाल दो, तो देखो ये इक्वेशन सॉल्व करने पे, इधर सॉल्व करते हैं अपन इसको, कितना आ जाएगा 3/2 mg इक्वल्स टू 3 μ² प्लस 4 μ, और ग्राउंड के नॉर्मल की वैल्यू वहां से डाल दो mg अपॉन μ² प्लस 1, ठीक है। तो mg से mg कट जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 3 μ² प्लस 1, ये हो जाएगा 6 μ² प्लस 8 μ, ओके। तो ये आएगा मेरे पास 3 μ² प्लस 3 6 μ² प्लस 8 μ, तो 3 μ² प्लस 8 μ माइनस 3 0, तो म्यू की वैल्यू क्या रहेगी, 3 μ² प्लस ऑफ 9 μ माइनस म्यू माइनस 3 बराबर 0। तो म्यू कॉमन लोगे तो म्यू प्लस 3 3 μ कॉमन ले रहे हैं ना, और यहाँ पे आप माइनस 1 कॉमन लोगे तो म्यू प्लस 3 0, तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी, एक तो आएगी माइनस 3 और एक आएगी 1/3। तो म्यू की दो वैल्यू आएगी, एक तो 1/3 और एक माइनस 3, म्यू नेगेटिव तो हो नहीं सकता तो ये तो गलत हो गया 1/3। अब म्यू की वैल्यू 1/3, तो एन का मतलब कितना हो जाएगा 3, और आपसे क्या पूछा है 20 n, मतलब 20 n कितना हो जाएगा 20 × 3 यानी कि 60। तो ये आपके पास आ जाएगा नॉर्मल की एन की वैल्यू। तो यहाँ पे देखो पहले तो आपको ये फ्रिक्शन को काइनेटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग के इक्वल लगाना है, ग्राउंड के नॉर्मल को फ्रिक्शन को आप लिख सकते हो म्यू इंटू नॉर्मल ग्राउंड, फिर इस वॉल के फ्रिक्शन को क्या लिखोगे म्यू इंटू नॉर्मल ऑफ वॉल, नॉर्मल ऑफ वॉल को आप सिंपल इससे रिप्लेस कर दो म्यू एन जी से, फिर यहाँ से एन जी की वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर दो, ओके। तो ये सिंपल सा अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया, मतलब अच्छा था, है ना, थोड़ा कैलकुलेटिव था, कंसेप्ट वही है जो नॉर्मल कंसेप्ट आप यूज करते हो रोड वाले। इसका आता अपना अगला फिफ्थ,
फिफ्थ में आपको देर इज नो स्लिपिंग बिटवीन एनी कॉन्टेक्ट सर्फेस देन फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सिलेंडर। देखो सिंपल सी बात है, इसकी कुछ वेलोसिटी वी मान लेता हूं मैं और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा मान लेता हूं, ठीक है। तो स्लिपिंग नहीं होने का मतलब कॉन्टेक्ट पॉइंट जो बॉटम पॉइंट है और जो टॉप पॉइंट है उनकी स्पीड आपस में उन सर्फेस के इक्वल होनी चाहिए जिनसे वो कॉन्टेक्ट में। तो टॉप पॉइंट की स्पीड किसके इक्वल होनी चाहिए? वी ए के इक्वल। टॉप पॉइंट की स्पीड क्या हो जाएगी? वी सी एम प्लस ओमेगा आर बराबर 5। बॉटम पॉइंट की स्पीड किसके इक्वल होनी चाहिए? बी के इक्वल, है ना, बॉटम पॉइंट। तो बॉटम पॉइंट की स्पीड क्या हो जाएगी? वी माइनस ओमेगा आर 5। v कितना हो जाएगा इस केस में? 10 माइनस ओमेगा r 5 कितना हो जाएगा इस केस में? ये अपने पास 10 आ गया ना, 10 आ जाएगा ये। तो VCM और ओमेगा r ये हमें बताना है, दो अननोन है और दो इक्वेशन से, तो दोनों को अपन क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। अपन को क्या पूछा है ना, एंगुलर स्पीड पूछे ना, माइनस कर देते हैं। तो ओमेगा r माइनस ऑफ ओमेगा r जोड़ोगे तो 5 माइनस 10 यानी कि ओमेगा r 2 ओमेगा r कितना हो जाएगा? माइनस 5 का मतलब r ओमेगा कितना हो जाएगा मेरे पास? ओमेगा हो जाएगा -5/2 r। r की वैल्यू कितनी देखिए आपको 1/21, तो -5/21/2 कितना हो जाएगा? 105/2। 105/2 कितना होता है? 52.50। माइनस का मतलब तो ये है कि मैंने एंगुलर स्पीड जो मानी ना वो गलत मानी, मतलब मैंने क्या माना था? क्लॉकवाइज, और ये आएगी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो 52.50 है ना आंसर, आपको पॉजिटिव डालना है, मतलब वो डिपेंड करता है कि आप किस तरफ मानते हो, है ना। तो इस केस में आपको केवल वैल्यू पूछिए ना, एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू बताओ, तो वैल्यू का मतलब 52.50, तो मॉड इसमें बताना है, तो 52.50 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, कोई कंफ्यूजन इसमें? फिर इसके बाद सिक्स्थ पे आते हैं। सिक्स्थ में आपको बोला है कि देयर इज सफिशिएंट फ्रिक्शन बिटवीन वेज एंड स्फीयर व्हाइल ग्राउंड इज स्मूथ, फाइंड स्पीड ऑफ वेज व्हेन स्फीयर रीचेज एट बॉटम, है ना। अब स्फीयर जब बॉटम पे आएगा तो उसमें कितनी स्पीड होगी आपको ये बताना है। तो ये रोल करते हुए आ रहा है, देखो जमीन में फ्रिक्शन नहीं है, जमीन और वेज के बीच में फ्रिक्शन नहीं, लेकिन इस स्फीयर और इसमें तो फ्रिक्शन है ना। तो स्फीयर जब रोल करते हुए आएगा तो कुछ टाइम बाद कंडीशन कैसी होगी? देखो ये आगे की तरफ मोमेंटम गेन कर लेगा, इसकी स्पीड v1 मान लेता हूं, तो इसकी स्पीड v2 माननी पड़ेगी। ओवरऑल मोमेंटम लीनियर वाला कंसीडर करना है, क्योंकि x डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, है ना। तो x डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इसका मतलब px इनिशियल इक्वल्स टू पी एक्स फाइनल। इनिशियल p कितना अपने पास? इनिशियल तो जीरो है ना, तो इनिशियल जीरो, बाद में कितना आ जाएगा मेरे पास? एम वी वन आई केप और प्लस एम वी टू माइनस आई केप। तो इसका मतलब वी वन और वी टू आपस में सेम आएंगे, पहली चीज तो ये, ठीक है। तो लेट मैं मान लेता हूं v1 v2 को v मान लेता हूं। अब अपन को क्या करना है? अब अपन को लगाना है एनर्जी इक्वेशन। देखो यहां फ्रिक्शन नहीं है, यहां तो म्यू जीरो है, यहां सफिशिएंट फ्रिक्शन है, लेकिन फ्रिक्शन कौन सा लगेगा? प्योर रोलिंग के दौरान कभी भी काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं लगता, ओनली स्लाइडिंग फ्रिक्शन लगे, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा, तो इसका मतलब ओनली fs एक्ट बिटवीन स्फीयर एंड, इसका मतलब एनर्जी कंजर्व। अब एनर्जी अगर कंजर्व है तो अपन बोल सकते हैं mgh इनिशियल एनर्जी बाद में किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? स्फीयर की, तो रोलिंग एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर 1 + k² / r² और वेज के पास कौन सी एनर्जी आएगी? केवल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा mgh बराबर 1 + 2/5 + ½ mv²
तो इस केस में कितना आ जाएगा अपने पास आंसर, एम सेम कट जाएगा, वी स्क्वायर 7/10 वी स्क्वायर बाई 2 जी एच, ठीक है। तो वी स्क्वायर 7/10 और इसको लिखेंगे अपन 5/10, तो 17/10, तो 10 जी एच बाई 17 ये हो जाएगा v की वैल्यू। तो v की वैल्यू आएगी 10 जी एच बाई 17। एक बार देख लेते हैं अपन इसमें कैलकुलेशन को, हाफ एम वी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा अपने पास 7/5, 7/10 ये आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, तो इसको मैंने लिख दिया 5/10। तो ओके 5/10 किया ना, तो 7×5=12 आएगा, तो ये कितना आ जाएगा 5GH/6 ये आ गया मेरे पास। तो यहाँ पे मेरे पास कितना आ रहा है, V की वैल्यू आ रही है 5GH/6। अब वैल्यू डाल दें इसमें, H आपको कितना दिया है, तो इसमें 5GH/6, 5G की वैल्यू कितना लेना है, 10 ही लेंगे अपन, तो 5GH कितना है 60, 5GH/6 तो ये कितना हो जाएगा अपने पास 10√5, तो 10 2.236 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना रहेगा 22.36, तो आपका आंसर आ जाएगा 22.36। ओके, तो ये वैल्यू डाल के सॉल्व कर दिया। तो सिंपल, एक तो मोमेंटम इक्वेशन, फिर एक रोलिंग एनर्जी के साथ एनर्जी इक्वेशन है ना। अगला आता है कि एक मेटल की चेन है, इसको अपन 3 kg और इसको 5 radian की रेट से घुमा रहे हैं, तो इसमें कितना टेंशन आएगा। देखो ये चेन इस तरह से है ना, ये अपनी एक्सिस के अबाउट घूम रही है, तो इसका एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करते हैं, ये एलिमेंट। इस एलिमेंट को रोटेट होने के लिए जो रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल फोर्स हो, सेंट्रिपिटल फोर्स कहाँ से मिलेगा, इसमें जो टेंशन आएगा वही तो देगा। तो इसमें टेंशन एक तो ऐसा आएगा, एक टेंशन का कंपोनेंट इधर आएगा है ना। ये एंगल अगर आप डी थीटा मानते हो, आधे आधे एंगल, डी थीटा बाई 2 ऊपर मान लो और डी थीटा बाई 2 नीचे मान लो, तो इसका जो कंपोनेंट इधर आएंगे वो क्या आएगा, टी साइन डी थीटा बाई 2, सॉरी कॉस आएगा इधर, तो इधर आ जाएगा टी साइन डी थीटा बाई 2। ऐसे इस टेंशन के भी कंपोनेंट करोगे तो अल्टीमेटली होगा क्या कि जो टी साइन डी थीटा बाई 2 वाला कंपोनेंट है साइन डी थीटा बाई 2 वाला कंपोनेंट जो है ये क्या करेगा, डी एम ओमेगा स्क्वायर आर ऐसे आ जाएगा। तो 2t साइन डी थीटा बाई 2, डी थीटा स्मॉल एंगल है तो इसको सिंपल ऐसे लिख देंगे, डीएम क्या हो जाएगा, डीएम हो जाएगा, देखो टोटल मास है ना एम है, इसकी लेंथ कितनी है, यूनिफॉर्म मेटलिक चेन ऑफ मास एम एंड लेंथ एल, L यहाँ पे 1 meter दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि इसमें टेंशन कितना है, तो मास बाय लेंथ R डॉट d थीटा, ठीक है भाई, यूनिट लेंथ का मास इतना है और इस एलिमेंट की लेंथ अपन ने कितनी मानी, R डॉट d थीटा ओमेगा स्क्वायर R, तो ये कितना हो जाएगा, d थीटा से d थीटा कटेगा, तो T इज M बाय L ओमेगा स्क्वायर R स्क्वायर, एम कितना है 3, एल कितना है 1, ओमेगा कितना है 5, 2π रेडियन पर सेकेंड है ना, रोटेशन पर सेकेंड को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आर स्क्वायर, आर कितना हो जाएगा, देखो 2πr जो है वो एल के बराबर है, तो 2πr, ठीक है, तो 2πr इक्वल्स टू एल 1 meter है, तो आर कितना हो जाएगा, एल 1/2π, तो ये आ जाएगा अपने पास 3×5² / 1, ओके, और 2π² इधर भी कितना आ जाएगा अपने पास, ये 2π² आ रहा है, तो ये आ जाएगा 25×3=75, तो इसका आंसर आएगा 75 न्यूटन।
तो 75 न्यूटन यानी कि 75.00 कर दो इसको, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। लेंथ दे रखी है तो लेंथ से आप रेडियस निकाल लो अलग से, कोई कन्फ्यूजन? तो ये सिंपल सा ध्यान रखना, इस एलिमेंट में जो टेंशन के कंपोनेंट आएंगे सेंटर की तरफ, वो इस एलिमेंट को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेंगे। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन जो है वो बन जाएगा। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें आपको बोला है कि एक सर्कुलर डिस्क है जो उसका मास इतना है, ओरिजिन पे है एक्स वाई प्लेन में, अदर हाफ पार्ट जो है वो वाई जेड प्लेन में। अच्छा, अब यहाँ पे देखो एक डिस्क ऐसे दी है कि इसका मास जो है ना वो इस तरह से डिवाइड कर दिया आपने, मतलब इसमें आधा पार्ट तो एक्स वाई प्लेन में है और आधा पार्ट इसका वाई जेड प्लेन में है, एक्स वाई और जेड, और इस तरह से आप रोटेट करवा रहे हो। तो ये जो हाफ पार्ट है एक्स वाई प्लेन वाला, इस हाफ पार्ट का मैं इनर्शिया आई वन मान लेता हूं, कितना आ जाएगा? हाफ एम आर स्क्वायर। भाई आधे डिस्क का भी अपने सेंटर के अबाउट तो हाफ एम आर स्क्वायर ही होता है, और इस वाले का मैं आई टू मान लेता हूं, तो आई टू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा डायमीटर के अबाउट, डायमीटर के अबाउट। अच्छा, ये आधी डिस्क है ना, तो इसका आधा मास लिख दो, वो क्या है? वो है डायमीटर के अबाउट। तो डायमीटर के अबाउट कितना होता है? 1/4 m/2 r² दोनों हिस्सों का जोड़ दो, तो नेट कितना आ जाएगा अपने पास? कितना आ जाएगा? एम आर स्क्वायर बाई 8 प्लस एम आर स्क्वायर बाई 4 तो कितना हो जाएगा? 3/8 एम कितना है इसका? इसका एम हो जाएगा 2.3। आर कितना है? 16, मतलब 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 2.3 × 6 है ना, तो 6 × 3 = 18, 6 × 2 = 12, 12.18 ऐसा अपना आंसर बन जाएगा इसका। तो एक बार देख लेते हैं इसमें क्या डाउट। 2.3 था अपना मास, तो 2.3 मास है, और इस केस में 6 × 2.3 तो ये अपना आ जाएगा 6। अच्छा, 2.3 × this है ना, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी मैंने शायद, 2.3 × 6 तो 18, और ये 13.80 ये अपना आंसर आ जाएगा इसका। तो ये फाइनली अपना यहाँ पे आंसर आ जाता है लास्ट क्वेश्चन का भी। तो आई होप बच्चों आप लोगों का पेपर जो है वो अच्छा गया होगा, आप लोगों ने कंसेप्ट जो है वो अच्छे से अप्लाई किए होंगे। जहाँ भी आपको लग रहा है कि आपके कंसेप्ट वीक हैं, सॉल्यूशन अच्छे समझें और उन क्वेश्चंस को अपने नोट्स में ऐड करते जाएं। ओके बच्चों, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।